मुंबई से मालती गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम हमारा दो सवाल तीन सवाल है। जी, पूछिए। हाँ, वो हमारे बॉडी में, आप सुन रहे हैं ना? जी, मालती जी, आपका स्वागत है। मैं सुन रहा हूँ। हाँ हकीम साहब, नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ जी, हम अपन आपका दवा भाई साहब कर रही हूँ। आपसे बात भी हुआ था, सिया गोंद। मेरा बहुत बहुत साल से थोड़ा थोड़ा पूरा बॉडी में वो गांठ, उसका चर्बी का गांठ हो गया है। तो अब क्या होता है, पूरा हाथ, पूरा जांग, कमर, पेट, अब वो ऐसा खींच खींच के दर्द होता है भाई साहब, कि इनको बर्दाश्त। मैं रात भर नहीं सोती, मैं दिन को सोती। अच्छा, अब बता, जोड़ों के दर्द का क्या हाल है? जोड़ों को दर्द तो ठीक लगता है ऐसा, ठीक मगर वो जो पूरा शरीर में तकलीफ है ठीक भाई है ठीक साहब, वो जो गांठ है ना, ठीक है ठीक उसके वजह से मैं सो नहीं पाती। कुछ दवा डॉक्टर को भी खाती हूँ, फैमिली डॉक्टर को, रोज डेली दो खुराक, मगर वो भी आराम नहीं करता। मैं रात दिन भाई साहब सो नहीं पाती हूँ, ठीक और है ठीक पेशाब में तकलीफ है। अब ये थोड़ा दिन से तकलीफ है, कि पेशाब रोक नहीं सकती, गिर जाता है ऐसा जोर से पेशाब आएगा ठीक है जाते ठीक जाते। ये भी ठीक तकलीफ है, और अच्छा दवा आप बता दे भाई साहब, मैं ठीक छुटकारा पा जाऊँ रोग से। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आप रोइए नहीं। देखिए, जोड़ों का दर्द की दवा आप ले रहे हैं तो जोड़ों का दर्द अच्छा है आपका। ये गांठों के दर्द के लिए गांठों को पिघलाना होगा, ठीक है? और मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप लेना शुरू करें। लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा। जोड़ों का दर्द ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांठों का दर्द अलग होता है, जोड़ों का दर्द अलग। डॉक्टर की भी दवा आप ले रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक चीज़ आती है, लाजवंती। याद रखें, लाजवंती, बारीक बारीक दाने आते हैं, हिंदी में इसे लाजवंती कहते हैं, और पंसारी के यहाँ भी मिलती है, दवा बेचने वालों के यहाँ मिलती है, बारीक बारीक दाने हैं। ये लाजवंती आप आधा चम्मच लाजवंती एक गिलास पानी में, गर्म पानी में मिलाएं और हिलाते रहें, उसमें गांठ ना पड़ने दें। और ये जब मिक्स हो जाए तो इसको आप ले लें, खा लें। और इसके बाद सोडा होता है खाने का, आपके किचन में खाने का सोडा एक चुटकी, और एक चुटकी नमक जैतून, ये असली लेना है, ये नकली भी मिल जाता है। सोडा तो आपके किचन में असली होता है, नमक जैतून असली ले लें, और एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाएं, और दिन में कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार इसको पी लिया करें। बहुत टाइम लगेगा लेकिन फ़ायदा होना मुमकिन है। तो मैम आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा। आपकी तकलीफ़ हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये तकलीफ़ आपको कोई कुछ महीनों की नहीं हुई है, बहुत सालों से आप परेशान हैं मैम। तो जो बात हकीम साहब ने आपको बताई है, इस बात पे गौर कीजिएगा और नुस्खा ज़रूर अपनाइएगा जो बताया गया है। कोई भी क्वेरी करना चाहती हैं या फिर आप दोबारा से बात समझना चाहती हैं, तो आप उसके लिए 24 आवर्स यानी कि कभी भी दिन में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, जहाँ पर आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स पूरी टीम से। अगली कॉलर है हरियाणा से, सुधा जी स्वागत है आपका। हाँ बिटिया रानी, बहुत ढेर सारा प्यार और शुक्रिया सलाम मैम। मेरे मसीहा, आपको भी 1001 टाइम सलाम वालेकुम। स्वागत है सुधा जी का। हमारा तो दिन आपकी प्यारी सी मुस्कान और शायरी से ही शुरू होता है। आपके कलम बहुत खूबसूरत होते हैं, दिल को छू लेते हैं। आपकी प्यारी सी बातें दिल में एक मीठी सी हलचल मचा देती है। आंसू आपने जो जीवन का बीता हुआ एक किस्सा सुनाया, दिल रो दिया।
हमें भी अपने जीवन की जुड़ी कुछ बातें याद आ गई। यह सच है कि अगर हम अपने खुदा को मनाते रहें तो वो देने में देरी नहीं करता। शुक्र और सब जिसने सीख लिया वह एक न एक दिन खुदा की रहमत का हकदार बन ही जाता है। सच बात, सच बात। आज आपने जो कुछ भी है अपनी काबिलियत की वजह से है। आप भगवान के बहुत करीब हैं। आपने अपना जीवन अपने लिए नहीं हम सबके लिए जीते हैं, इसलिए आप खुदा आप पर मेहरबान है। आज प्रोग्राम देख लिया आपने? जी हाँ, आप खुद भी रोते हैं और हमें भी रुलाते हैं। खुदा से दुआ करती हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहें, सलामत रहें, आपकी सारी भलाई ले लें। दिल करता है सारी दुनिया की कायनात तुम्हारे कदमों में लाकर बिछा दूं, शायद वह भी कम होगा। मेरा ही नहीं, तू सबका मान दाता है, सभी को सब कुछ देता है, दिलाता है। जो खाली था दामन मेरा उन्हीं ने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत धन्यवाद। कोई सवाल भी है सुधा जी आपका? बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, मेरा एक सवाल है, मैं यही पूछती थी जो अभी अभी शैलजा ने किया। मैं भी सोची थी मैं जैतून नमक और मीठा सोडा लेती हूँ, एक चुटकी और दो चुटकी वो लेती हूँ जीरा। तो मेरा मन है कि मैं सिरके में वो डाल के ले लूँ, जो जीरे का सिरका मैंने मंगाया है आपके यहाँ से, उसमें एक चुटकी जैतून नमक और एक चुटकी वो डाल के ले लूँ मीठा सोडा, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या? हाँ, उसमें यह जरूरत नहीं है। हाँ, जीरा तो डालने की ज़रूरत नहीं है, वो जीरे का ही सिरका है। बाकी दोनों चीज़ें आप डाल के ले सकते हैं, तो वो बहुत तेज़ काम करता है। और बहुत शुक्रिया, देखिए आप हमारे सारे प्रोग्राम देखते हैं, हमसे जुड़े हुए, हमारे लिए दुआ आपकी बहुत कीमती है, बाकी कुछ भी कीमती नहीं आपकी दुआ के आगे। और बस ऐसे ही जैसे आप लोगों की सेवा करते हैं करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, और हम भी आपके लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं। बिल्कुल। अगली कॉलर है पंजाब से, लता जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार वीर जी, स्वागत लता जी का। अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप बताते हैं ना सूखी खांसी और सर्दी वाली खांसी। हाँ जी, सूखी खांसी में हम क्या लागे नुस्खा देने के, वो ही देना है उना वाले? ठीक है, खांसी दो किस्म की होती है। अक्सर लोगों को एलर्जी और सर्दी वाली खांसी होती है, और किसी किसी को गर्म खांसी हो जाती है, तो उसमें यही नुस्खा दे सकते हैं। लेकिन इसमें 1 ग्राम गौन मोरिंगा मिला कर दें, 1 ग्राम गौन मोरिंगा मिला कर दें। गौंद मोरिंगा 1 ग्राम काफ़ी होता है, तो अगर 2-4 खुराक देंगे तो पता भी चल जाएगा ये सूखी है गिल, किसी सूरत काबू ना आए तो समझ लीजिए कि ये सूखी खांसी है और गर्मी की वजह से है, तो उससे गर्मी कम होकर आदमी की खांसी ठीक हो जाती है। अक्सर हम गांव में देखते हैं, यहाँ तो गांव में की तरह नहीं है, वहाँ कुत्ते वगैरह हम पालते हैं डॉगीज, तो उनको ऐसी खांसी होती है कभी कभी कि वो ठीक ही नहीं होती, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा देते हैं, क्या क्या करते हैं, एंटी एलर्जी इंजेक्शन लगा देते हैं, तो फिर हम ये चीज़ देते हैं उनको, उनको फ़ायदा हो जाता है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। राजेश्वरी जी, जी स्वागत है। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते भाई साहब। जी जय हिंद, स्वागत है। हाँ जी, आपके आपके से एक बहन और जुड़ गई है। जी 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 स्वागत आपके सोच है। हाँ जी बहुत। हाँ जी, मेरे को मेरे सवाल भाई साहब, मेरे दामाद हैं वो फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में। जी, तो उनको इनक्लोजिंग स्पोंडोलाइटिस है, आप उनके लिए कुछ बताइए। ठीक है, मेरी तरफ से उनको जय हिंद बोलें। और देखिए ऐसे बैठे
ऐसे सीधे और ये एक्सरसाइज किया करें। फौजी आदमी हैं, उनसे कहें कि वज़न बिल्कुल ना उठाएं कुछ दिन, और फौजी आदमी बहुत मजबूत होता है और बूढ़ा होने के बाद भी अपने आप को बूढ़ा नहीं कहते, ये फौज में है जवान ही कहते हैं जवान। तो अब दो तीन काम नहीं करें, भागा दौड़ी नहीं करें, पैदल चलें खूब, अपना सारे काम करें, वज़न नहीं उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करते होंगे जब इतने बड़े ओहदे पर हैं। और एक आता है गौंसिया, वो असली ख़रीद लें और आधा आधा ग्राम दो बार खाने के बाद पानी से, दूध से, कम चर्बी के दूध से, या सब्जी सालन में मिलाकर, या शहद में मिलाकर, या घी में मिलाकर, या मलाई में मिलाकर दो बार खाने के बाद लेना है। और एक ये ऐसे देखिए, पूरी तरह मोड़ें, देखिए मैं अपनी एक ठोड़ी को यहाँ तक ले आता हूँ, और वो भी फौजी आदमी है, ट्रेनिंग फौज की, मुझे पता है कैसी होती है। ये तीन तीन मिनट दो एक्सरसाइज करें, गौन सियाह लें, और भगवान से मदद मांगें, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, आदाब, जय हिंद, स्वागत है कर्नल साहब आपका। सवाल मेरे दो रहेंगे आज। जी इरशाद। एक तो ये कि जो आप बताते हैं कि 100 ग्राम अलसी और उन्नाव और सबिस्तान और 30 ग्राम पिपले, अगर इनको इसी रेशो से ज्यादा बना लेंगे तो क्या रखने में खराबी तो नहीं होगी, ये एक तो ये पूछना था। और दूसरी दो सवाल और भी हैं, और एक सवाल और था ये कि जैतून के सिरके से भी हॉट ब्लॉकेज खत्म हो जाती है, सब कुछ जाता है, उसमें तीन अशियाएं जो मिलाई जाती हैं वो बेशक तेजी से काम करती हैं, लेकिन किसका क्या फायदा है तीनों में से, वो उसकी तफसील बयान जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आपने सारे जमाने में रिसर्च करी है, मैं आप पर रिसर्च करता हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक साहब को पाइल्स हो गई थी, तो उनको मैंने वो सोल्ट और अलसी और कलौंजी और वो शहद एक नुस्खा ये दिया, और उसके बाद में उनको एक रंडी का 100 ग्राम की तेल की शीशी ला के दे दी, उनकी सारी बीमारी खत्म हो गई। ठीक है, बहुत अच्छे कर्नल साहब, आपसे तो हम इतने इम्प्रेस रहते हैं, और आप हमारे साथ जुड़े नहीं जुड़े, लेकिन आप हमें सुनते हैं, हमें मालूम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर फ़ोन नहीं भी करेंगे लेकिन वो सब जानकारी रखते हैं। कर्नल साहब, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। अब जैसे आपने कहा कि सिर्फ सिरका भी जैतून का ब्लॉकेज को खोलता है, ये सच्ची बात है। और दरअसल जब कोई नुस्खा बनाते हैं हम, तो उसमें जितनी दवाइयां होती हैं उतने तजर्बे शामिल होते हैं। जैसे किसी को सिरका नहीं चलता, ठंडा होता है, तो उसके साथ में एक तो हमने लहसुन डाल दिया, जो उसने सिरके का मिजाज बदल दिया, फिर नींबू डाला तो ये फिर ठंडा हो गया, और फिर हमने अदरक का जूस डाला तो फिर ये मोतदिल हो गया, ना कि ना गर्म रहा ना ठंडा, तो इसलिए भी देते हैं इसको। दूसरा, सौंठ का काम है हाजमा करना और लीवर का काम अच्छा करना, कब्ज को दूर करना, ये सौंठ का काम है। और ये जो विटामिन सी है, इसका काम है चर्बी को काटना, और ये इसमें वो जो डाल देते हैं एक चुटकी नमक, ये भी काटता है चर्बी को, और जो जिद्दी चर्बी को ये उसको भी काट देता है, ब्लॉकेज को खोलता है। और लहसुन जो है, इसमें पारा है, पारा समझते हैं वो जो हम बुखार के लिए ऐसे यहाँ पर लगा लेते हैं एक मीटर, और फिर वो बताता है कितना बुखार है, तो वो चीज़ है इसमें।
वो पारा तो बहुत नुकसान देता है जब मीटर में होता है, फीवर के मीटर में, लेकिन ये पारा जो है ये हजम होने लायक है, वो हजम ही नहीं होता कभी, वो पारा कभी हजम नहीं होता और ना मिक्स होता किसी चीज़ में, पारे की शान है। और ये पारा जो है लहसुन में, ये खून में मिल जाता है और खून को साफ करता है, स्वच्छ करता है और जहाँ जहाँ तेज़ी लाता है उसमें, इस काम को करने में तेज़ी लाता है, हजम तो करता ही है, चर्बी का दुश्मन है, और जहाँ जहाँ ज़िद्दी चर्बी ब्लॉकेज बनाती है उसको फिर ये मजबूर कर देता है इसे खोलना। और वर्मा साहब इतने फ़ायदे हैं कि एक चीज़ के, आपको भी बहुत तजर्बा हो गया और आने वाले समय में और ज़्यादा तजर्बा होगा कि ये जो हम किचन में चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर हम सही मात्रा में यूज़ करें तो ये दवाओं की नौबत ही ना आए। जैसे आपने किसी को नुस्खा दे दिया सौंठ का, तो बवासीर के मरीज थे और उनकी बवासीर ही ख़त्म हो गई, तो इसने हज़म ठीक किया, हज़म ठीक किया तो बवासीर कहाँ से रहेगी, हज़म ठीक कर लीजिए, बवासीर का नामो निशान मिट जाता है। और क्या सवाल था इनका? अलसी सपिस्तान वाला जो नुस्खा बताते हैं, अगर उसे हम ज़्यादा बना के लंबे वक्त तक रखें। हाँ, अच्छा देखिए, वो एक रेशो ये है, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी बना सकते हैं, और दवा पिस जाने के बाद अगर उसको मॉइस्चर मिले या सही माहौल ना मिले तो ख़राब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो बना तो कितना भी सकते हैं। और जो वैसे मरीज़ नहीं हैं, ऐसे मरीज़ हैं जो ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो बेहतर ये होगा जिनको शुगर नहीं है, वो इसी की सफ़ूफ की बराबर शहद में इसको मिक्स कर दें ताकि ख़राब होने का ख़तरा ख़त्म ही हो जाए। रेशो ये रहेगा, आप बना कितना भी सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है जी।